हेलो स्टूडेंट्स आई एम जितेंद्र कुमार शर्मा योर मैस टीचर टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर चैप्टर नंबर सेवन ऑफ क्लास थ्री द चैप्टर नेम इज इंडियन करेंसी देर स्टूडेंट वी ऑलरेडी कंप्लीटेड अवर सिक्स पार्ट इन प्रीवियस क्लासेस दे वी विल लर्न अबाउट इंडियन करेंसी इंडियन करेंसी होती क्या है उसमें सम जो कॉइन्स हैं जो भी हमारे सर्कुलेशन में हैं या सम ऑफ कॉइंस जो सर्कुलेशन में नहीं है बट दे आर स्टिल इंडियन करेंसी उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया हमने इंडियन करेंसी की जो सर्कुलेट नोट्स हैं उन पे डिस्कस कर लिया था हमने ये देखा था बैलेंस शीट कैसे क्रिएट करते हैं बिल कैसे जनरेट कर पाएंगे हम और हमने साथ ही साथ इंडियन करेंसी को डिपेंड करके यानी करेंसी को बैस करके ये देखा था जो यूनिट ऑफ इंडियन करेंसी है लाइक रुपीज़ एंड पैसा उनका जो आ, हम कह सकते हैं उनका कॉम्बिनेशंस है यानी वी कैन से अबाउट द हंड्रेड पैसा क्रिएटेड वन रुपीज़ ये सब हमने वहाँ क्लियर कर लिया था हमारे प्रीवियस पार्ट्स में इन सिक्स पार्ट जो हमारा लास्ट पार्ट था वहाँ हम स्टार्ट कर चुके थे हमारी एक्सरसाइज और कौन सी वाली एक्सरसाइज थी वो थी हमारी मिसेलिनियस एक्सरसाइज सेवन जहाँ हमने देखे थे रैंडमली क्वेश्चन जो हमारे पूरे चैप्टर को फोकस कर रहे थे पूरा चैप्टर इंक्लूड करके हमने कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था मिसेलनियस एक्सरसाइज सेवन में अब तक हमने हमारे क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के क्वेश्चन नंबर फोर तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था आज हम हमारा पार्ट सेवन स्टार्ट कर रहे हैं और इस पार्ट में हम कंटिन्यू हैं हमारी मिसेलिनियस एक्सरसाइज के साथ में और हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव से लेकर के क्वेश्चन नंबर टेन तक के सारे क्वेश्चन को तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन इज सलमा हैज पच इज ए हैंका चिप ऑफ़ फोर रुपीज़ फिफ्टी फाइव एंड पास फोर रुपीज़ थर्टी फोर हाउ मच अमाउंट शी हैज़ स्पेंट इन टोटल सो डियर स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हमारे चैप्टर में एडिशन ऑफ रुपीस यानी रुपीस को या इंडियन करेंसी को लेकर के हमने एडिशंस किए हमने वहाँ सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर को भी देखा था तो जो हमारे ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि सलमा ने सम ऑफ परचेजिंग की है उसने एक थिंग तो ली है हैंका और वो कितना रुपये स्पेंड किया उसके लिए फिफ्टी फाइव रुपीज को अनदर चीज उसने एक पार्स का परचेज किया है और उसके लिए उसने पे किए हैं रुपीज थर्टी फोर अब हमें ये देखना है कि जो टोटल अमाउंट उसने स्पेंड किया है वो कितना होगा सो इजीली वी कैन टॉक अबाउट अ एडिशन तो हमें यहाँ अमाउंट को एडिट करना है यानी उन्हें ऐड करना है डियर स्टूडेंट सबसे बड़ी बात ये है कि जो बेसिक रूल ऑफ एडिशन है वो क्या कहते हैं कि वंस प्लेसेज के नीचे यू शुड राइट वंस प्लेसेज टेंस प्लेस के नीचे यू शुड राइट टेंस प्लेसेज एंड अनदर प्लेसेज के नीचे आपको अनदर प्लेसेज ही राइट करने सो so यहाँ भी सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम हमारे लॉवर डिवीजन से स्टार्ट करेंगे यानी पैसा यूनिट से करेंगे इफ़ वी हैव पैसा यूनिट इन आवर क्वेश्चन बट हेयर यू कैन सी वी हैव फुल अमाउंट इन रुपीज अमाउंट ओके सो रुपीज अमाउंट में हमारे पास पूरा अमाउंट है सो ईजीली वी कैन टॉक अबाउट रुपीज एडिशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो so देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका जो परचेजिंग फोर हैंगटा चीफ है वो अमाउंट कितना है भाई रुपीज फिफ्टी फोर वी कैन ड्रॉ विद द सेम्बल ऑफ रुपीज ओके अनदर थिंग की बात करें पर्स की सो so उसके लिए उसने पे किया है रुपीज थर्टी फोर ओके सो दोनों अमाउंट हमने राइट कर लिया अब हमें इनका एडिशन करना है सो इजिल वी कैन टॉक अबाउट द एडिशन सो एडिशन स्टार्ट करते हैं वंस प्लेसिज से वॉट इज द वैल्यू ऑफ द वंस प्लेसिज इन द फर्स्ट नंबर दैट इज फाइव इन अनदर नंबर वी कैन सी फोर सो इजिल वी कैन टॉक अबाउट फाइव एंड फोर कंबाइंड नंबर सो फाइव एंड फोर कितना हुआ टोटल अमाउंट नाइन सो वी कैन ईजिली राइट देयर नाइन इन अवर टेंस प्लेस वी कैन चेक द वैल्यूज ऑफ द टेंस प्लेसेज इन डिफरेंट डिफरेंट नंबर दे आर इन द फर्स्ट नंबर वी कैन चेक द टेंस प्लेस हैव द पावर ऑफ फाइव इन अनादर नंबर यू Can see three is as our tens. So five tens after 3 three tens more So, created 8 eight tens. So final amount will be rupees eighty nine. So Salma has spent rupees eighty nine in total. That is our answer. Clear enough. Chali next. Here you can see the another question. The question says Vasudev has bought postcard four rupees five and postal stamp. फोर ऑफ रुपीज़ फोरटीन एंड फिफ्टी पैसा सो यहाँ देखिए जैसा हम देख पा रहे हैं वासुदेव ने परसेसिंग की है उसमें पोस्ट कार्ड के लिए उसने पे किया फाइव रुपीज़ full फुल अमाउंट हैज़ फाइव रुपीज़ एज मनी यूनिट यानी उसका यूनिट का जो अमाउंट है वो केवल रुपीज में है बट पोस्टल स्टाम्प के लिए जो वो पे कर रहा है वो कर रहा है रुपीज़ फोरटीन एंड फिफ्टी पैसा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दो मेजर यूनिट्स को इन रुपीज इन पैसा ऑफ आवर इंडियन करेंसी सो देखिए हमें क्या बताना है हाउ मच अमाउंट ही पेड टू पोस्ट ऑफिस कलर्क कलर्क तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं जो कलर को उसने पे किया है वो टोटल अमाउंट कितना होगा इजीली हम क्या समझ रहे हैं कि हमें जो दोनों चीजों की जो परचेजिंग की है उसने जो अमाउंट पैंड किया है उनको या जो कॉस्ट है उन्हें एड करना है so, चलिए स्टार्ट करते हैं विदिशन सो देखिए सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कॉस्ट ऑफ पोस्ट कार्ड ठीक है सो हम यहां राइट करेंगे फाइव वी कैन ड्रॉ हेयर रुपीज एंड हेयर पैसा अमाउंट रुपीज फाइव पैसा जीरो देन कॉस्ट ऑफ पोस्टल स्टम कॉस्ट ऑफ पोस्टल स्टैंप दैट इज अवर रुपीज फोर्टीन एंड फिफ्टी पैसा सो वी राइट देर रुपीज फोर्टीन एंड फिफ्टी पैसा अब हमें टोटल फाइन करना है डे स्टूडेंट यहां हम ये देख पा रहे हैं इन अवर फर्स्ट कॉस्ट हम जो हमारी पहली कॉस्ट है पोस्ट कार्ड की वो ये देख पा रहे हैं वो फाइव रुपीज़ है देयर इज़ ए सिंगल यूनिट अमाउंट एंड अनदर की बात करें इन रुपीज़ मैनर तो रुपीज़ मैनर में हम ये देख पा रहे हैं वो फोर्टीन है जो कि हमारा टू डिजिट अमाउंट है जो बेसिक नॉलेज ऑफ आवर एडिशन है वो क्या कहता है वो ये कहता है कि आपको वंस प्लेसेज के नीचे वंस प्लेसेज को राइट करना है सो so इजिली हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो यहाँ फाइव हमने मैंशन किया है उसे हम एज ए सिंगल यूनिट राइट करेंगे यानी हम यहाँ जीरो फाइव मैंशन कर सकते हैं नो इश्यू ओके चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आवर लोअर क्लासेज दैट इज आवर पैसा यूनिट सो एडिशन हमें करना है यहाँ पे एडिशन स्टार्ट करते हैं सो देखिए जीरो देन जीरो टोटल अमाउंट गॉज इज ज़ीरो जीरो आफ्टर फाइव सो टोटल अमाउंट गॉज इज फाइव एंड इन रुपीज़ मैनर यू कैन चेक द लास्ट यूनिट ऑफ रुपीज़ मैनर इज इज़ फाइव इन अनदर नंबर यू कैन चेक द वंस प्लेसेज ऑफ रुपीज़ मैनर दैट इज आवर फोर सो फाइव आफ्टर फोर मोर सो टोटल अमाउंट गॉज इज नाइन सो वी कैन ईजिली ड्रॉ देयर नाइन And after it, we can check nothing and one. So, amount is one. So, we can say the total amount as our answer will be 19 rupees of 50 paisa. That amount should Vasudev paid to the post office color. Clear? Chale, next, move. Karte. So, here you can see the another question, question number seven. The question says Bindu has rupees 90 C. recharge her Mobile. 4 rupees 55 now find the balance amount with bindu dear students in chapter we will discuss about the balance balance is the amount that is our remaining number in short we have a amount we have spent some of amount देन वी फाइंड द रिमेनिंग नंबर इन शॉर्ट वी कॉल दैट इज अवर बैलेंस सो यहां हम समझ पा रहे हैं हमें सब्ट्रेक्शन प्रोसीजर को फॉलो करना होगा तो so, चलिए हम सब्ट्रैक करते हैं देखते हैं आंसर क्या आता है सो so, यहां हम देख पा रहे हैं जो टोटल अमाउंट उसके पास में था सो वी राइट दियर स्टेटमेंट बिंदु हैज रुपीज हाउ मच नाइनटी ओके एंड शी रिचार्ज रिचार्ज हम मोबाइल या रिचार्ज स्पेंड या रिचार्ज कॉस्ट यू कैन राइट देयर विल बी रुपीज फिफ्टी फाइव सो वी राइट देयर फिफ्टी फाइव ओके देन अब हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि हमने दोनों अमाउंट्स को यहाँ राइट डाउन कर दिया टोटल अमाउंट हमारे पास में आ चुका है ओके देन वी राइट अवर स्पेंडिंग अमाउंट नाउ वी फाइंड द टोटल अमाउंट और वी कैन कॉल दैट इज़ अवर बैलेंस चलिए स्टार्ट करते हैं सो देखिए देयर यू कैन चेक इन द वंस प्लेसेस वी हैव ज़ीरो एंड इन द अनदर नंबर यू कैन चेक द पावर ऑफ वंस प्लेसेस इज़ एज इंडिकेट अवर फाइव सो इट इज़ पॉसिबल हम जीरो में से फाइव को लेस कर सकते हैं सो नो इट इज़ नॉट पॉसिबल देन हम बोरो प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं सो वंस प्लेस गॉज एज अवर टेंस प्लेस दैट हैव द पावर ऑफ नाइन टेंस सो उसने क्या किया उसने आस्किंग किया कि गिव मी सम हेल्प सो उसने वहाँ से उसको वन टेंस दे दिया यहां हम देख पा रहे हैं जब वन टेंस यहाँ से चला गया तो रिमेनिंग uh, so, है वहां से हमने बोरो किया है. Means, कितना सिंगल यूनिट होगा हमारे पास में टेन सिंगल यूनिट हमें मिल चुका है टेन सिंगल यूनिट हमें मिल गया है बोरो से और अभी ऑलरेडी हैव जीरो सिंगल सो टोटल अमाउंट गोज एज टेन टेन में से हमने फाइव को लेस किया so remaining number will be Now time to check our tens places. What is the value of the tens places in the first number? That is our nine. No, that is now eight because हमने one तो give up कर दिया था यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारे पास में eight tens, उसमें से हमें five tens को less करना है So remaining number will be थ्री So final amount या final balance हमारे पास में यानी बिंदु के पास में अब रहेगा वो होगा थर्टी सो स्टूडेंट दिस प्रोसीजर हमने किस चीज को समझा हमने समझा हमारे सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर को सब्ट्रैक्शन कब लागू होता है यस स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में हमने कैसे फाइंड किया वही सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है ईजी था कि हमें एक टोटल अमाउंट दिया हुआ है सम ऑफ अमाउंट को हमने स्पेंड किया है और हमसे बैलेंस कास्ट किया गया है बैलेंस कितना रिमेनिंग रहा इजीली so हमने यहाँ पे हमारे सब्ट्रक्शन प्रोसीजर लागू कर दिया और हमें आंसर मिल गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं so यानी कि यहाँ जो उसके पास में अमाउंट है कपिल के पास में वो दोनों यूनिट्स में हमें मिल रहा है उसके पास में रुपीज भी हैं एटी फाइव और उसके पास में पैसा भी है वो कितना है 75 ही बस वेजिटेबल फोर रुपीज़ फोर्टी वन एंड ट्वेंटी फाइव पैसे तो उसने स्पेंड किया है कुछ रुपीस जो कितना है फोर्टी वन एंड उसने स्पेंड किया है सम ऑफ जो कितना है वो है ट्वेंटी फाइव सो हमें क्या कैलकुलेट करना है सो कैलकुलेट द बैलेंस अमाउंट विथ कपिल इन शॉर्ट वी कैन से हमें रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करना है हमें लास्ट अमाउंट फाइंड करना है सो so, हम कौन सा प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं हम फॉलो करेंगे हमारा सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टोटल अमाउंट कपिल हैव या वी कैन से कपिल 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 हैव द मनी यू कैन राइट दैट कपिल हैज मनी इक्वल कितना रुपीज रुपीज वी कैन राइट दिया एंड अनदर वी विल राइट द पैसा सो रुपीज विल बी एटी फाइव एंड पैसा कितना है सेवेंटी फाइव We can draw a dot to separate rupees and paisa amount. We will discuss about that in our chapter. जिसमें जिसको कि हमने ये देखा था कि chapter में कैसे हम decimal का या हमारे dot sign का use करते हैं rupees एंड paisa को separate करने के लिए अब हम यहाँ देख रहे हैं उसका जो cost है spend किया उसने spend money इक्वल कितना स्पैंड कर लिया उसने फोर्टी वन रुपीज स्पैंड कर दिया और पैसा की बात करें तो यहाँ उसने ट्वेंटी फाइव पैसे स्पेंड कर दिए So, हमें इन शॉर्ट अब सब्टेक्शन प्रोसीजर करना है और लास्ट में हम फाइन कर लेंगे उसका बैलेंस ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर लोअर क्लासेस स्टार्ट करेंगे पैसा यूनिट से स्टार्ट करेंगे इन पैसा यूनिट वी कैन चेक आवर वंस प्लेसेज पैसा का वंस प्लेसेज क्या है फाइव फाइव में से फाइव को लेस रिमेनिंग नंबर विल बी जीरो सेम नंबर में सेम नंबर को हमने लेस किया so, हम है हमने तो पूरा का पूरा लेस कर दिया सो वी हैव नथिंग इन मैथमेटिक नो नथिंग को इंडिकेट किया जाता है थ्रू द जीरो जीरो सो वी राइट देयर नेक्स्ट की बात करते हैं यू कैन में से हमने टू को लेस किया सो रिमेनिंग नंबर विल बी फाइव इज अवर पैसा अमाउंट कितना पैसा रिमेनिंग रहा 50 पैसा अब टाइम है हमारा चेक करने का रुपीज अमाउंट को वट इज द कॉस्ट ऑफ रुपीज अमाउंट इन वन प्लेस इज दट इज फाइव अनदर की बात करें वहां हम वन श्योर तो है ओपन का वन टू थ्री फोर सो इजिली वी कैन राइट इन टेंस places यू कैन चेक द वैल्यू ऑफ द tens places इन द फर्स्ट नंबर दैट इज our eight. और नेक्स्ट नंबर की बात करें तो वहां हम देख पा रहे हैं फोर हमारी वैल्यू टेंस प्लेसेस की एट फिंगर हमने ओपन की है फोर फिंगर को हमने क्लॉज कर दिया रिमेनिंग नंबर विल बी फोर सो वी कैन इजिली ड्रॉ देर फोर एंड नाउ देट इज़ अवर बैलेंस अमाउंट दैट कपिल है एट द लास्ट कपिल के पास में जो लास्ट अमाउंट है वो रहेगा फोर्टी फोर रुपीज एंड फिफ्टी पैसा सो डी स्टूडेंट दिस वॉज द एक्टिविटी थ्रू विच वी कैन लर्न अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज़ एंड पैसा अमाउंट टूगैदर अगर हमारे पास में रुपीज़ अमाउंट और पैसा अमाउंट है सो हमें उन्हें सेपरेट रखना है सबसे पहली बात हमने यहाँ लर्न की दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं हमें लोअर क्लासेज यानी पैसा क्लासेस से स्टार्ट करना है चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो और वहां भी हमें हमारे वंस प्लेसेस से स्टार्ट करना है पैसा का वन्स यहां पे हम बात अबाउट अगर रुपीज की बात कर रहे हैं उसका वंस प्लेसेस है okay? चलिए करते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर क्वेश्चन नंबर नाइन दस सेज गगन पेज रु, ए रुपीज हंड्रेड नॉट टू पैसे बस टिकट फ्रॉम जयपुर टू दौसा फोर रुपीज सिक्सटी फाइव चलिए भाई गगन ने क्या किया जो टिकट कलेक्टर है उसको रुपीज दिए हंड्रेड का इनोट दे दिया ठीक है वहां उसने क्या किया एक टिकट परचेज किया है जयपुर से दौसा के लिए जिसका कॉस्ट कितना है भाई सिक्सटी फाइव रुपीज है अब हमें क्या फाइंड करना है हमें यह बताना होगा कि हाउ मच अमाउंट बस टिकट कलेक्टर हैज टू रिफंड यानी कि अब बस टिकट कलेक्टर उसको कितना रिफंड देगा डियर स्टूडेंट्स दिस वॉज ए क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन अवर सब्ट प्रोसीजर इसके अलावा हम यहां यह देख पा रहे हैं कि जो हमारा हंड्रेड रुपीज का नोट है उसका रिमेनिंग नंबर को लेस करने के बाद पहले हमें यह पता होना चाहिए टोटल अमाउंट कितना है भाई हंड्रेड रुपीज सो वी कैन ईजिली राइट दियर हंड्रेड रुपीज हंड्रेड ये वो अमाउंट है जो कपिल ने गगन ने पे किया है टिकट कलेक्टर को अब जो कॉस्ट ऑफ टिकट कितना है वो हम यहां राइट डाउन करते हैं वो है हमारा सिक्सटी फाइव यू कैन सी एर यहां हमें सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर फॉलो करना है बिकॉज वी फाइंड रिफंड अमाउंट रिफंड ओके सो हम यहां सब्ट्रैक्शन करेंगे बट आपको ये देखना है सबसे बड़ी बात कि हम ये देख पा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट नंबर है यानी टोटल अमाउंट है वो थ्री डिजिट नंबर है अगर हम हमारे जो टिकट चार्जेस की बात करें वो हमारा टू डिजिट नंबर है बट हमने यहाँ पे क्या किया वंस प्लेसेस के नीचे वंस प्लेसेस को राइट right किया टेंस प्लेसेस के नीचे टेंस प्लेसेस को राइट right किया है ये चीज़ हमें हमेशा रिमैन याद रखनी है हमें यहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो हमारा पूरा सेक्टर या पूरा प्रोसीजर मिसअप हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आवर वंस प्लेसेज यू कैन चेक वंस टेंस एंड हंड्रेड प्लेसेज सो वंस प्लेसेज की बात करें वो हमारा नथिंग है इट मीन जीरो है उसमें से हमें लेस करना है फाइव को क्या ये पॉसिबल है देखते हैं नहीं है सो so ज़ीरो हमारे टेंस प्लेसेस के पास जाता है टेंस प्लेसेस सीज आई एम आल्सो जीरो टेंस प्लेसेस ने क्या कहा भाई मैं तो खुद ही जीरो हूँ आपको कहाँ से बोरो करूँ मैं तो फिर ये हमारा टेंस प्लेसेस मूव करता है हमारे हंड्रेड प्लेसेस पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हंड्रेड प्लेसेस हियर दैट इज़ वन सो वन हंड्रेडिस चलिए भाई मैं आपको बोरो कर देता हूँ गिव कर देता हूँ मैंने वन आपको दे दिया वन हंड्रेड दिया है सो वन हंड्रेड अगर हम टेंस प्लेसेस पे उसे स्टेबल कर रहे हैं सो so हमारे पास में कितना टेंस होगा वन हंड्रेड को हमने टेंस में कन्वर्ट किया तो टेन 10 टेंस होता है ईजी है सो so यहाँ हमारे पास में टेन 10 टेंस आ चुके हैं ठीक है स्टूडेंट्स ओके okay. अब वंस प्लेस वापस से आता है टेंस प्लेसिस के पास में क्या अभी टें प्लेस जीरो है नो अब उसका पावर कितना हो गया टेन टेंस का सो उसने कहा भाई अब मैं टेन टेंस हूँ आप मेरे से ले सकते हैं बोरो कर देता हूँ मैं आपको ये लीजिए सो उसने वन टेंस दिया दैट मीन्स उसने टेन सिंगल यूनिट दे दी यहाँ हमारा रिमेनिंग नंबर रहा नाइन क्लियर हो गया बिल्कुल क्लियर है वी हैव टेन टेंस उसमें से हमने वन टेंस इसका मतलब टेन सिंगल यूनिट दे दिया है सो so, हमारा रिमेनिंग नंबर रहा नाइन टेंस का अब हम बात करते हैं वंस प्लेसेस की सो वंस प्लेसेस का पावर अब जीरो नहीं है उसका पावर हो चुका है टेन सिंगल यूनिट सो टेन में से हमने फाइव को लेस किया रिमेनिंग अमाउंट विल बी फाइव ओके नाउ टाइम टू चेक आवर टेंस प्लेसेज वॉट इज द वैल्यू ऑफ द टेंस प्लेसेज दैट इज जीरो नो दैट इज टेन टेंस नो दैट इज नाउ नाइन टेंस सो नाइन टेंस में से हमने सिक्स को लेस किया देन रिमेनिंग नंबर विल बी थ्री एंड टाइम टू चेक आवर हंड्रेड प्लेसेज दैट इज़ नाउ नथिंग बिकॉज उसने बोरो कर दिया था उसने गिव कर दिया था ना सो so यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट है या रिफंड अमाउंट है जो कि कलेक्टर हमें वापस करेगा टिकट कलेक्टर वो कितना होगा वो होगा थर्टी फाइव एंड इट इज़ आवर आंसर क्लियर हुआ ना सो so, यहाँ हमने क्या देखा सब्ट्रैक्शन देखा मनी का और ये भी देखा कि कैसे हम बोरो वाले जो सब्ट्रेक्शन है उन्हें फॉलो करते हैं तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ द सीरीज़ देखते हैं हमारा लास्ट टेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन वो क्या कह रहा है फरीदा वेंट टू द मार्केट विथ हर सिस्टर्स दी परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ नाइनटी फाइव रुपीज़ फोर्टी एट एंड रुपीज़ ट्वेंटी सेवन रेस्पेक्टिविटी सो यहाँ हम ये यह देख पा रहे हैं Respectively, so find the sum of money spent by Farida and her sister all together. सो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अमाउंट्स दिए गए हैं दिए गए ना देखिए किसी ने परचेसिंग किया है नाइन्टी फाइव रुपीज़ का किसी ने फोर्टी एट का और किसी ने ट्वेंटी सेवन का सो so हमें ये बताना है कि जो टोटल अमाउंट स्पेंड हुआ है वो कितना है सो so इजीली हमें यहाँ टोटल करना होगा सारे अमाउंट्स का हम यहाँ टोटल कर लेंगे और आंसर फाइंड करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टोटल ऑफ मनी सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारे पास में है रुपीज़ नाइन्टी फाइव यू कैन सी ओके एंड देन रुपीज़ फोर्टी एट क्लियर ओके एंड लास्ट यू कैन सी रुपीज ट्वेंटी सेवन आंसर सो अब हम इनका टोटल फाइंड करेंगे तो चलिए स्टार्ट करें विद द टोटल सो ऑन द वंस प्लेस यू कैन सी द वैल्यूज फाइव एट एंड सेवन सो हमें कंबाइंड करना है एट आफ्टर सेवन मोर फिफ्टीन दैन फाइव मोर ट्वेंटी सो ट्वेंटी इज ए टू डिजिट नंबर वी कॉन्ट राइट हॉल नंबर एट द वंस प्लेसेज हम टू डिजिट का नंबर राइट नहीं कर सकते सो यहाँ हम नंबर में फाइंड करेंगे वंस प्लेसेज की वैल्यू है जीरो टें प्लेज की वैल्यू है टू सो so, हमने जीरो पुट किया है और टू हमारा चला जाएगा टेंस प्लेसेस पे एज ए कैरी ऑवर क्लियर है ना ये हमने डिस्कशन किया था सब्ट्रैक्शन एडिशन प्रोसीजर में चलिए अब बात करते हैं हमारे टेंथ प्लेसेज की वट इज़ द वैल्यूज ऑफ टें्लेस एयर सो हम यहाँ देख पा रहे हैं नाइन फोर एंड टू इज आवर टेंथ प्लेज वैल्यू एंड टू इज आल्सो अवर टेंथ प्लेसेज वैल्यू जो हमें कहाँ से मिली है थ्रू द कैरी ओवर तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स हम इनको कंबाइंड करते हैं नाइन आफ्टर टू सो टेन इलेवन दैन फोर मोर देन फिफ्टीन फिफ्टीन आफ्टर टू मोर सेवनटीन सो वी कैन इजीली राइट देअर हॉल नंबर बिकॉज दिस इज द लास्ट डिजिट ऑफ द क्वेश्चन, so, हमने हमने सारा सारा नंबर कर right कर दिया, दिया, भाई में को किया, किया, और हमारा amount आ गया, ऑल टुगेदर अमाउंट जो स्पेंड किया गया है फरीदा और उसकी सिस्टर के द्वारा वहां पे मार्केट में सो क्लियर है ना सो डी स्टूडेंट दिस वॉज अवर पार्ट सेवन एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जहाँ हमने ये देखा कि जो हम रैंडमली क्वेश्चन देख पा रहे थे जहाँ हमने कॉलना फॉर्म में में भी क्वेश्चन को सॉल्व किया था इस एक्सरसाइज में हमने देखा कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन को भी हम यहाँ सॉल्व कर पा रहे हैं चाहे हमारा एडिशन प्रोसीजर हो चाहे हमारा सब्ट्रेक्शन प्रोसीजर हो सबको हमने बड़ा ईजिली सॉल्व किया है देखिए डेस्ट सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम मनी का क्वेश्चन देखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो मनी का अमाउंट है वो किस यूनिट में है अगर रुपीज़ में सारा अमाउंट है सो इजीली हम रुपीज़ मेंशन करेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे रुपीज़ के वंस प्लेसेस से अगर हमारा अमाउंट रुपीज़ एंड पैसा में है यानी टोटल अमाउंट बहुत यूनिट्स में है सो हम क्या करेंगे सबसे पहले पैसा क्लासेस से स्टार्ट करेंगे और वहाँ भी हम वंस प्लेसेस से स्टार्ट करेंगे सो हमें आंसर बड़ा इजिली मिल जाएगा सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपने क्लासेज इंजॉय की है और आप अच्छे से लर्न कर पाए हैं अबाउट इंडियन करेंसी So keep watching, keep learning, see you soon in next class. Thank you.